किसी के किसी भी कारण। और भी एक बात उन्होंने कही थी, कृष्ण और सुभद्रा और बलराम जी से वचन लिया था कि मैं जरूर भगवान कृष्ण तुम्हारे पास आऊंगी। रुक्मिणी ने कहा तुम हार्ट भी डले हुए हैं, लेकिन ये वचन दो कि तुम इस क्षेत्र में कभी गुस्सा नहीं करोगे, किसी भक्त पर किसी पर भी गुस्सा नहीं करोगे। यहाँ गुस्सा होगा तो उसका पाप द्विगुणीकृत होगा, डबल हो जाएगा। यहाँ कोई भी किसी प्रकार का भी गुस्सा करता है तो उसका डबल हो जाता है, यहाँ का पाप भी डबल ट्रिपल हो जाता है। यहाँ पुण्य का काम करो, जितना शांत रहो उतनी लक्ष्मी तुम्हारे साथ आती है। जिसने भी किसी प्रकार का भी गुस्सा किया, क्रोध किया, उसका द्विगुणीकृत फल भोगना पड़ता है। यहाँ उस क्षेत्र में माता लक्ष्मी ने कृष्ण से यह वचन दिया था और कृष्ण ने कहा था कि मैं तो तेरी बात मानता हूँ, यहाँ मेरे क्षेत्र में आकर कोई गुस्से से कुछ कहने या कहे तो उसका पाप उसको लगेगा जरूर। यहाँ अन्नदान का अन्नदान की श्रेष्ठता है, यहाँ जो अन्नदान करेगा और विशेषतः जो मेरे को चाहने वाले और ब्राह्मणों को अन्नदान करेगा या कुछ भी दक्षिणा देगा अपने रूप में जो भी हो सकता है देगा, उसके पितरों को मैं विक्षुण अक्षुण रूप से मैं श्रेष्ठता उसके जीवन में, ये जो मैंने अभी कमियां बताई है वो कमियां जाएगी। जायदाद होने के बाद भी दरिद्र रहना, माता पिता होने के बाद भी अलग रहना, पत्नी होने के बाद भी पति दूर रहना, पति होने के बाद भी रहना, धन होने के बाद भी नहीं भोग सकना या गरीबी रहना, नौकरी का स्थिर नहीं होना, नौकरी का अस्थिर होना, माता पिता को रोगी देखना, माता पिता बेड पर पड़े हुए देखना, हम बेड पर पड़े हुए देखना, ये सारी चीजें लक्ष्मी के रुष्ट होने के बाद होते हैं। तो ये लक्ष्मी रुष्ट होने की का कारण है कि अपने पितर और देवताओं का क्रुद्ध होना, और पितर और देवताओं का क्रुद्ध होना इसलिए होता है जब लक्ष्मी को हम ठीक तरीके से नहीं देखते। तो माता लक्ष्मी ने रुक्मिणी के रूप में माता जी ने यहाँ कहा था कि जो भी यहाँ श्रेष्ठता के साथ अपने पितरों को तृप्त करेगा उसके जीवन में मैंने जो अभाव अभी कहा है, जैसा पत्नी कमाती रहे और हम खाते रहे, पत्नी के गुस्सा के कारण हम गरीब रहें, हमारे जीवन में लक्ष्मी की स्थिरता ना हो, पैसा आए भी चले जाए भी, अब उतना दूर क्यों जाते हो। मैं आपको मेरा उदाहरण देता हूँ, कभी पत्नी गुस्सा हो गई तो समझो उस दिन नुकसान हुआ ही हुआ, पैसे किसी को गए आए नहीं वापस। मेरी लक्ष्मी ऐसी है, मैं इसके ऊपर कहता हूँ कि आप अपनी लक्ष्मी से कभी गुस्सा मत करवाओ, जितना भी हो शांत रूप से आप रहना सीखो तो आपको उस चीज़ का ही मिलेगा, कभी यहाँ क्रोध नहीं करना। और कहा जाता है जिस दिन लक्ष्मी आई थी उनको लक्ष्मी को नीचे खड़े कर कृष्ण और बलभद्र ऊपर से खड़े रहकर बात कर रहे थे, तो लक्ष्मी ने कहा यहाँ जो आदमी जो अपने बड़े लोगों को अपने गुरु को अपने स्किल छोड़कर वो उच्च स्थान में बैठता है निश्चित रूप से उसको गरीबी भूलनी पड़ेगी। ये महालक्ष्मी ने कहा अपना गुरु नीचे बैठा हुआ या अपना गुरु नीचे बैठकर कुछ भी कर रहा हो और अपना ऊपर बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से उसके घर में धन का अभाव होगा ही होगा, उसको समस्याएं आएगी आएगी, उसके नौकरी में उन्नति या स्थिरता पैसों में स्थिरता ये होगी नहीं, ऐसा उन्होंने कहते हुए आया और लक्ष्मी माता ये सब समझा रही थी। तो उतने में हुआ क्या कि महर्षि मार्कंडेय आए थे, और मार्कंडेय आकर देखते क्या है कि एक कौवा जोर से उड़ते हुए आया, और आते ही महालक्ष्मी को जैसा ही देखा समुद्र में डुबकी लगाई, लेकिन वो तड़बड़ा कर मर गया, जैसा ही मर गया वहाँ पूरी विष्णु लोक के सारे रथ और विष्णु से एक पुष्प विमान जैसा विमान एक महान वैकुंठ का विमान आया और उस कौवे को दिव्य रूप देकर देवता लोक को चले गया। उसको पुनर्जन्म नहीं है, कौवा ही जो सब कुछ पाप चीज़ों को भोगता है, जो पिंड भोगता है, ये सारी चीज़ें वहाँ होती है, वहाँ वो कौवे को मोक्ष मिला। तो मार्कंडेय जी ने देखकर कहा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ ऐसे कैसे हो गया। महालक्ष्मी ने कहा इस क्षेत्र की यह महिमा है, जहाँ आज ज्वंत श्री कृष्ण रहते हैं आप यहाँ गरुड़ को गिद्ध को देख सकेंगे, लेकिन एक कौवा भी पुरुषाम क्षेत्र में नहीं देख सकेंगे। ये कारण है कि यहाँ जो पितरों को पिंड देगा उसके घर में फिर पिंड देने का या श्राद्ध करने का या उस पाप का पाप से मोक्ष मिल ही जाता है, ये कहा गया है। तो माता लक्ष्मी ने ऐसी कृपा की थी जो उनके ऊपर किसी प्रकार का दोष ना हो, उनके घर में स्थिर लक्ष्मी स्थापन होना चाहते हैं तो पहले पितरों को करो, बाद में देवताओं की पूजा करो, बाद में श्री कृष्ण जगन्नाथ का दर्शन लो, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ेगी, ऐसा माता ने विवरण दिया। तो हम यहाँ आए हैं तो जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ की पूजा करें, जगन्नाथ का स्मरण करें, जगन्नाथ जी को स्मरण करने के बाद दूसरे देवताओं की आराधना हम करें, हमारे गुरु हमारे देवता इन सारी चीज़ों को हम देख सकें। यहाँ क्रोध करना, यहाँ किसी प्रकार की गलती करना, या अपने यहाँ किसी प्रकार किसी की चोरी करना या किसी को चोर लेना, ये सारे जीवन में 7 जन्मों तक भोगना पड़ता है। और जिसने यहाँ पवित्रता के साथ अपने पितरों को कुछ दिया, जिसने अपने देवताओं की पूजा की, उनके घर में ना चोरी होगी ना पैसा जाएगा और घर में सुख शांति रहेगी,
इसके इन सारे को इन सारी चीज़ों को होते हुए भी यहाँ एक महान योगी होके गए जो काशी कलकत्ता के रहने वाले थे, जिनका नाम था विशुद्धानंद जी। विशुद्धानंद जी ने एक बार उनसे पूछा, वे यहाँ उनका आश्रम भी है और विशुद्धानंद जी यहाँ समुद्र में स्नान कर रहे थे, तो एक स्त्री, एक राजा की स्त्री थी, उसने आकर कहा कि प्रभु मुझे बहुत दिनों से संतान नहीं है और मेरी उम्र 50 वर्ष हो गई है और मुझे संतान चाहिए। कहते हैं कि आप श्रेष्ठ योगी और श्रेष्ठ संत हैं, महात्मा हैं, योगी हैं, परमहंस हैं, मैं आपके चरण पकड़ती हूँ। ऐसा उन्होंने समुद्र के ऊपर उनके चरण पकड़ लिए। तो उन्होंने कहा, मुझे क्यों मांगती हो, इस जगन्नाथ को मांगो जो वहाँ बैठा हुआ है। तो उसने कहा, मुझे जगन्नाथ नहीं मालूम, मुझे मैं आपको देखकर प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे एक अच्छी सी संतान जो संसार में श्रेष्ठता के साथ हो। तब विशुद्धानंद जी ने कहा, तू मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर यहाँ बैठ जा। और जैसे हाथ पकड़ बैठे, एक बार समुद्र की लाट आई और चले गई, दूसरी बार आई चले गई, तीसरी बार देखते क्या, क्योंकि उसके उस स्त्री के गोद में छोटा सा कृष्ण था, जो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हम कहते हैं उस कृष्ण को। उन्होंने कहा, ये लड्डू गोपाल की पूजा कर तो अवश्य तू गर्भवती होगी और तुझे संतान प्राप्त होगी। तो उसने कहा, प्रभु ये क्या बात कर रहे हैं, कोई क्या समझेगा, मेरी 50 वर्ष की उम्र हो गई है, क्या संतान होगी। सब लोग उनको देखकर हंस रहे थे। कहा, तू इस एक साल तक तू इस लड्डू गोपाल की पूजा तो करके देख, तुझे ऐसी संतान होगी जो 7 पीढ़ियों तक तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे खानदान का नाम रोशन कर सकेगी, वह श्रेष्ठता के साथ रोशन करेगी। लेकिन शर्त यह है, जैसा ही तुझे संतान होगा, यह कृष्ण लड्डू गोपाल को मुझे ला के देना, मैं काशी में रहता हूँ। उसको संतान हुई, उसके बाद उसको 3 संतानें हुई और वह श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़ी और उन्होंने उस कृष्ण को, कृष्ण की मूर्ति को विशुद्धानंद जी को दिया। और विशुद्धानंद जी ने अपने काशी के आश्रम में, ये विशुद्धानंद कारण नाम के से प्रसिद्ध है, आज भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उस कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। तो उसमें जागृत है या नहीं, ये देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे कि इस कृष्ण मूर्ति में श्रेष्ठता क्या है। कृष्ण जन्माष्टमी करते हुए श्री भगवान विशुद्धानंद जी अपने हाथ अपने आँख मूंद कर बैठ गए और कहा, हे प्रभु, एक बार आकर लीला तो बताओ कि आप यहाँ आए थे, इसका हमें प्रमाण कैसे हो। तो उन्होंने कहा, एक सफ़ेद कपड़ा बिछाया गया और उसके ऊपर कृष्ण की मूर्ति रखी गई और वो कृष्ण का आह्वान कर रहे थे। थोड़ी देर में देख के क्या है कि जैसे बाल गोपाल के कदम चिन्ह होते हैं, वो चिन्ह उस कपड़े पे, सफ़ेद कपड़े पे आए और उनका ऐसे इस क्षेत्र की महिमा को लेकर हम कितनी ही बातें बोल लें तो कम है। शायद महर्षि व्यास जी ने भी यही कहा है कि इस क्षेत्र की महिमा, यहाँ देवताओं की महिमा हम अपने मुख से उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ माता सरस्वती का, महालक्ष्मी का, महाकाली का, उसके साथ साथ कृष्ण, सुभद्रा, भाई बहन का और रुक्मिणी का, इन सभी का आशीर्वाद यहाँ है। यहाँ निरोगी काया प्राप्त करने के लिए, यहाँ पितरों को हम किसी प्रकार की शांति प्रदान करने के लिए जो कार्य करते हैं, क्योंकि समय कम है। अभी यहाँ 2:40 से ग्रहण आरंभ होगा और 6 बजे तक ग्रहण पूर्ण होगा। हम इस ग्रहण की साधनाओं को करने के लिए हम समुद्र के तट पर जाएंगे ही जाएंगे, कि वहाँ ग्रहण की साधना करने से श्रेष्ठता कहा गया है। समुद्र तट के तट पर, नदी के तट पर यह साधनाओं को करना या केवल गुरु मंत्र जप भी करना श्रेष्ठता है। लेकिन जब आप यहाँ आए ही हैं, ऐसे लोग जो अपने को, मैंने जैसे अभी आपको सुनाया, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सभी लोग कर सकते हैं। जिनका मैंने अभाव था, अपनी नौकरी में शाश्वतता नहीं हो, स्थिरता नहीं हो, अपनी पत्नी की तरफ से कोई, अपने पति की तरफ से किसी प्रकार की कोई अड़चन हो, अपने को जायदाद रहकर भी उसका फ़ायदा ना मिलता हो, अपने पास घर नहीं हो, ना जायदाद हो, ना ज़मीन हो, ऐसी दरिद्रता अनुभव कर रहे हो, हम बेघर होकर घूम रहे हो, घर के लिए प्रयत्न कर रहे हो, अपने घर में पत्नी भी चिरस्थायी हो, डाइवर्स ना हो, पुत्र पत्र भी हमारे साथ हों,